क्या हाल है आप सभी के। आई एम श्योर आप सबकी बैंक निफ्टी एक्सपायरी बहुत बढ़िया गई होगी। इतनी स्मूथ मार्केट के अंदर ट्रेड करने का सबसे बड़ा कौन मतलब नेगेटिव साइड ये होती है कि एक ऑप्शन बायर क्या करता है, ओवर ट्रेड करने लग जाता है। आई एम श्योर आपने भी आज ओवर ट्रेडिंग में पैसा गवाया होगा। अगर आपके हाथ में संतुष्टि नहीं है कि यार आज मैंने 10% 20% अपनी कैपिटल का गेन कर लिया, 5% अपनी कैपिटल का गेन कर लिया, आई डोंट थिंक इन द लॉन्ग टर्म इन द लॉन्ग गेम यू आर गोइंग टू सस्टेन इन दिस मार्केट, बिकॉज दिस मार्केट इज सोली बेस्ड अपॉन ROI। ROI अगर आपका बढ़िया है तभी आपका काम लॉन्ग टर्म में चल पाएगा। अगर आपका ROI बढ़िया ही नहीं, अगर आप बार बार हर एक अपॉर्चुनिटी देखते जा रहे हो, घुसते जा रहे हो, तो जैसे आज दिन था, मैं आपको बता रहा हूं, आज टुडे वाज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी डे। मार्केट पूरा लॉजिक समझाऊंगा, डॉट टू डॉट लेवल समझाऊंगा, कल निफ्टी की एक्सपायरी है उसके बारे में बात करेंगे, DM में 40 मूविंग एवरेज क्या होता है वो बताएंगे, और कैसे अब मार्केट का एक नेगेटिव एस्पेक्ट शुरू हो चुका है, एक नेगेटिव डाउन टर्न शुरू हो चुका है। मैंने BTST कॉल की पोजीशन उठाई है उसका भी पूरा लॉजिक बताऊंगा। बट आप ये समझो, जब भी मार्केट के अंदर फ्लो में मार्केट 4-5 रेड कैंडल 2 घंटे के लिए नीचे जा रहा है, फिर वहां से बॉटम बना के 3 घंटे के लिए ऊपर जा रहा है, तो उस केस में ना हर एक ऑप्शन बायर को, हर एक ऑप्शन ट्रेडर को ऐसे लगने लग जाता है कि भाई मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं, मेरे से ज्यादा तो ट्रेडिंग किसी को आती ही नहीं। और देख लेना, आप ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में लॉस ज्यादा करोगे, ब्रोकरेज ज्यादा दोगे, आपको हर एक मिनट में, हर एक 6 मिनट में लगेगा भाई कोई ना कोई सेटअप बन रहा है। आपके साथ ये हुआ या नहीं हुआ, अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो तो कमेंट में लिखना ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि अब मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह हम ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। हमारा एक 5-स्टार ट्रेडिंग सेटअप होता है जो मैं इस संडे को रिवील कर रहा हूं हमारे इंट्राडे लखपति वेबिनार के अंदर। इंट्राडे लखपति वेबिनार का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। संडे को मात्र 500 सीट्स अवेलेबल है, एनरोल जरूर कर लेना, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे, देखो इंट्राडे लखपति वेबिनार के बारे में बता दूंगा। सबसे पहले निफ्टी 50 का जो डॉट टू डॉट लेवल है उसके बारे में बात करते हैं। पहले स्ट्रक्चर समझो। देखो यार, मार्केट पिछले एक हफ्ते में क्या कर रहा है वो जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम नेक्स्ट डे प्लान कर पाए, स्पेशली वो दिन जिस दिन एक्सपायरी हो। तो डे वाइज पहले टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं और EMA 40 लगा के दिखाता हूं आपको। ये न्यूज हेडलाइन में है, CNBC आवाज, इंग्लिश न्यूज चैनल्स के अंदर जहां पे स्टॉक मार्केट की बात होती है वहां पे ये बात चल रही है कि निफ्टी तो बहुत समय बाद अपने EMA 40 के नीचे क्लोज हुआ है। देखो, अपने EMA 40 के नीचे क्लोज हुआ था 19 मार्च को, आज भी मार्केट ने एक डोजी बनाई। डोजी का मतलब कहीं ना कहीं इनडिसीजन है, डोजी बनाई और मार्केट EMA 40 जो डेली मूविंग एवरेज का 40 कैंडल्स का जो एवरेज है उससे नीचे क्लोज हुई है। तो ये एक वरीसम साइन है और इसका मतलब होता है कि बुल्स भाग रहे हैं और बेयर्स एक्टिव हो रहे हैं। अब ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पे पहले 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, पहले डे वाइज टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया, अब वन आवर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है वो दिखा देता हूं। वन आवर टाइम फ्रेम पे नीचे से बहुत बड़ा सपोर्ट की लाइन आ रही है, 1, 2, 3। 1 आवर टाइम फ्रेम पे नीचे से सपोर्ट की बहुत बड़ी लाइन आ रही है और उसी सपोर्ट को लेकर आज मार्केट दोबारा ऊपर भी चढ़ना शुरू करा। 1 आवर टाइम फ्रेम को मैं थोड़ा सा और यहां पर बात करूंगा। यहां पर 13 मार्च से क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। पहले मार्केट बहुत बड़ा फॉल देता है, अगले दिन मार्केट उसमें उड़ जाता है पूरा। दूसरे दिन दोबारा गैप डाउन खुलता है, मार्केट बहुत बड़ा फॉल देता है, फिर दोबारा उड़ जाता है। तीसरे दिन मार्केट गैप फॉल करता है बट इस बार थोड़ा ज्यादा उड़ जाता है। समझना मेरी बात, दोबारा गैप डाउन नीचे गया, दोबारा गैप अप, दोबारा नीचे गया, उड़ गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज मार्केट ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर। यहां पर W बना देगा, फिर गैप डाउन खुल के यहां पर आ जाएगा ऐसे। तो इसको बोलते हैं लोअर हाइज और लोअर लोस का स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो कर रहा है। बट एक बात देखने वाली है, मार्केट का जो ये वाला लेवल है ना 21,950, ये मैं निफ्टी 50 के एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, 21,950 कल मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ग्लोबल मार्केट्स और पॉजिटिव क्यूज को देख के, गिफ्ट निफ्टी को देख के, कल मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलेगा। देखो यार, आज भी मार्केट की उम्मीद थी गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन नहीं खुला, आज ऑलमोस्ट फ्लैट खुला मार्केट, या गैप अप नहीं खुला, आज मार्केट फ्लैट खुला। तो कल भी ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट प्लस में था तब भी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट फ्लैट खुल रहा है, इसका क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है इसका, क्योंकि कुछ कुछ चीजों का लॉजिक नहीं होता, स्पेशली गैप अप गैप डाउन। आप कितना एनालिसिस लगा लो, कहीं ना कहीं रिस्क एलिमेंट वहां पे रहता ही रहता है। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का कॉल पोजीशन एटलीस्ट हमारे प्रीमियम चैनल में देके गया हूं, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो हो जाओ। वहां पे BTST, Hero 0, 2 PM, मॉर्निंग ट्रेड्स, मॉर्निंग स्नाइपर एंट्री, वाइट टाइगर, Hero 0 कॉल्स आपको दी जाती है। सेबी रजिस्टर्ड द्वारा बनाया गया टेलीग्राम चैनल है, आपको काफी हेल्प करेगा। यहां पे जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, टॉप डाउन अप्रोच यूज कर रहा हूं। पहले डे वाइज टाइम फ्रेम पे बताया किस तरह चल रहा है मार्केट, अब मैं 15 मिनट, फिर मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे नीचे एक सपोर्ट की लाइन बनाई। तो सपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सपोर्ट को अगर ब्रीच करेगा तब जाके एक बहुत बड़ा बेरिश मूवमेंट पी की साइड हम लेंगे। कल मैं इंटरेस्टेड हूं कि मार्केट दोबारा इस बेस को 21,815
21,817, 21,815 दिख रहा है ना, इस लेवल को थोड़ा सा बेस बनाए और मार्केट दोबारा यहां से जंप करे। जो नेक्स्ट मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 21,900 को, इस लेवल को अगर ब्रीच कर जाता है और 21,954, मैं दोबारा बता रहा हूं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ये कल के, बट अगर इन दोनों को इजीली मार्केट इतना इजी नहीं होगा मार्केट के लिए ब्रीच करना, सेकंड हाफ में अगर मार्केट ब्रीच कर जाता है तो एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है और 22,111 का नेक्स्ट टारगेट हम लेके चल सकते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ निफ्टी 50। सॉरी, समझ गया ना निफ्टी 50 का क्या लॉजिक है, प्रॉब्लम सब पूरा समझ आ गया। कल मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स तीनों चारों ट्रेड्स आपके साथ शेयर करूंगा। देखो यार, मेरा कोई ऐसे पर्टिकुलर नहीं है, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो है बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, फिर भी मेरे को कहीं भी ट्रेड दिखता है मैं आपके पास देने का पूरा पूरा ट्राई करता हूं, ठीक है। अब यही अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो मैं बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूं। वन आर टाइम फ्रेम पे मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। वन आर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो नीचे से बहुत बड़ा सपोर्ट आ रहा है, यहां पे सपोर्ट को ब्रीच किया, बट ये फेक ब्रेकडाउन हुआ, दोबारा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो मार्केट इस सपोर्ट को ब्रीच नहीं कर पा रहा अभी, ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। बट डे वाइज टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यू विल रियलाइज कैंडल्स ना बहुत वीक पड़ रही है, मतलब मार्केट को नीचे ले जाने की बात चल रही है बट मार्केट में जो सेलर्स हैं वो सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे। तो जब भी ऐसा केस होता है मैं तो रिकमेंड करता हूं एक चैनल बना लो आप, ये आपने एक चैनल बना लिया, ठीक है। अब इस चैनल का जहां भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, ये एक तरह का छोटा सा चैनल बन गया आपका, इस चैनल का जहां भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन के चांसेस, क्योंकि इतना नेगेटिव है नहीं यार माहौल जितना बनाया जा रहा है, ये सिर्फ सेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश करी जा रही है। लोग क्या करते हैं, मार्केट ने जैसे ही इतना बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करा यहां पे पी ले ली और यहां पे कॉल शॉर्ट कर दी, ऐसा नहीं होता यार, यहां पे पुट शॉर्ट करना बनता है, यहां पे सी लेना बनता है और आप उसका रिजल्ट देख सकते हो, मार्केट ने एकदम रिवर्सल दिखा दिया। तो ये जो लेवल है, ये जो पूरा रेजिस्टेंस जोन है, ये ऑपरेटर का रेजिस्टेंस जोन है, ये इंपॉर्टेंट है। कल मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कहीं ना कहीं इस लेवल पे 46,300 के लेवल हमारे लिए मेक और ब्रेक होगा। 46,300 के लेवल पे कहीं आए मार्केट, थोड़ा सा यहां पे कंसोलिडेट करे, फिर मार्केट ऊपर फटे तो तब हम एक सी की पोजीशन ले सकते हैं। मैं अभी भी बुलिश हूं, देखो यार लगता है मार्केट नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, सर पहले तो मार्केट नीचे जा रहा है फिर ऊपर, फिर नीचे जा रहा है फिर ऊपर, बट मैं कहीं ना कहीं हो मेरे को ऐसा लग रहा है सेलिंग करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी जा रही थी बट सेलर्स ना कामयाब हो रहे हैं दिन बर दिन। अब मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम फॉर द, दिस इज द गोल्डन पीरियड फॉर द ऑप्शन बाय टू गेट एक्टिवेटेड और अब सी लेने का, पी तो बिल्कुल घुसना ही मत अनलेस एंड अंटिल 4-5 बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ना बन जाए, उसमें भी मैं कहता हूं 5 मिनट में पी की ट्रेड लेके निकल जाया करो, वो इतना प्रॉफिट आपको दे देती है। मैं बाय ऑन डिप्स मार्केट कल के लिए सर्च करने वाला हूं, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो जाओ, हमारा इंट्राडे लखपति वेबिनार होने वाला है जो इस संडे को होगा दोपहर को 12 बजे। इसमें मैं अपना प्रीमियम बाय सेल इंडिकेटर ट्रेडिंग ईबुक 7 इंट्राडे टूल्स जो मैं सेटअप पे काम करता हूं, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज क्या होता है, कब मार्केट में बाय सिग्नल कब जनरेट होता है, सेल सिग्नल कब जनरेट होता है, मैं सिर्फ आपको यहां पे थ्योरी पढ़ाने नहीं आया हूं, आपको प्रैक्टिकल एसेट्स दूंगा, प्रैक्टिकल टूल्स दूंगा, ट्रेडिंग टूल्स दूंगा जिनको आप चार्ट में प्लॉट करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, संडे को वेबिनार होने वाला है, प्लीज एक बार जाके इसको जरूर देखना, यहाँ पे मैंने वीडियो भी चला दिया है, एक बार प्लीज जाके इसको देखना, आपको काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। ये वीडियो भी है आपके पास अवेलेबल, पूरा मैंने बना दिया हमारे पास, ये वेबसाइट जाके एक बार देख लेना, मैंने बहुत मेहनत लगी है इस वेबसाइट पे, बहुत कुछ मैंने बताया, लोगों के स्क्रीनशॉट डाले हैं, वो कितना ट्रस्ट करते हैं वो डाला है, मैं कमेंट में डाल दूंगा ये सारी चीजें, एक बार प्लीज जाके इस लिंक को जरूर चेकआउट करना। जैसे ही आओगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल बुक योर सीट पे आप क्लिक करोगे, बुक योर सीट पे क्लिक करके आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, मात्र 99 रुपीज़, 116 का आपको पड़ेगा, जीएसटी हटाओगे तो 99 रुपीज़ का पड़ जाएगा आपको। और बहुत सारे ट्रेडर हमारे दोस्त बोलते हैं सर वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी चाहिए, तो इस बार वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल है, प्रीमियम बाय सेल इंडिकेटर उसका लाइफ टाइम एक्सेस मैं दूंगा और वेबिनार में जो पढ़ाया जा रहा है उनके नोट्स 4 सेटिंग्स के साथ आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा, जल्दी मिलते हैं दोस्तों, ऑल द बेस्ट, और कल एक्सपायरी आपकी बहुत बढ़िया जाए, कुछ आपको ट्रेड्स फ्री टेलीग्राम पे भी मिली रहेंगी, तो फ्री टेलीग्राम भी ज्वाइन करना, जैसी ऐसी ट्रेड बनती है जो एनालिसिस होता है मैं आपके पास लेके आऊंगा, ऑल द बेस्ट।